हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। सो स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, यहां पर लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को टर्म टू एग्जाम के लिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे। जिन लोगों ने नहीं देखे, एक बार प्रीवियस क्लास जाकर जरूर देख लें। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे आपकी प्रैक्टिस के लिए। एक बार सभी लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर करना। सॉल्यूशंस नहीं करा रखा वहां पर मैंने आपको, सिर्फ आंसर्स दे रखे हैं, अपने आंसर चेक कर लेना। अगर जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लोग बता देना, मैं अगले दिन कभी नेक्स्ट क्लास में आपको वो क्वेश्चंस करवा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आज फिर से मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड वालों के लिए ये क्लास है, मतलब मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाले जो है उनके लिए ये क्लास है। आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग एक बार एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है। जिसमें मेरी लास्ट की क्लासेस चल रही है इन्हें जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑलराइट, सो स्पेशली ये क्लास है किसके लिए, स्टैंडर्ड वालों के लिए है। प्रीवियस जितनी क्लासेस हो रखी है आप लोग देख सकते हैं, बेसिक हो या फिर स्टैंडर्ड, दोनों के लिए है। मिक्स्ड क्वेश्चंस की सीरीज भी करा रखी है, चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, रिवीजन हो चुका है, वन शॉट हो चुका है, केस स्टडीज कंप्लीट हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो जाके जरूर देख लें। चलिए सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। उससे पहले छोटा सा एक काम करना, अगर देखिए जो भी मैं यहाँ पर आपको डाउट्स आपके क्लियर करता हूँ और आप तक पहुँचता है, कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, सो प्लीज़ एक बार सभी लोग लाइक जरूर कर लें। मेरे जितनी भी क्लासेस हैं, जितने भी लेक्चर्स हैं, उन्हें प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन को सभी लोग प्रेस कर लेना ऑल पे सेलेक्ट करके, क्योंकि जो क्लास है आप तक डेली 6 PM इवनिंग पहुँचती है, ये आप लोगों को पता है। रेगुलर है मैं आपके साथ इवनिंग 6 PM पर। चलिए सो अब इसके बाद हमारी 11th क्लास की मैथमेटिक्स भी शुरू हो जाएगी टर्म टू एग्जाम के बाद। आइए स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है स्टैंडर्ड के लिए। ए अपॉन, आज थोड़ा सा एनर्जी जो है थोड़ी लो है, ठीक है, सो थोड़ा तबीयत खराब हो रही है, सो उतना तेज आपको नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है, सो आप लोग प्लीज कॉपरेट कीजिएगा। सो एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू टू। यहां पर लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू ए कॉमा बी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए सो इसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। लिखा सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब रूट से निकालना है। चलिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से, हाँ, क्वाड्रेटिक सॉल्व द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। जरा सभी लोग देख रहे हैं यहां पर और धीरे धीरे पढ़ेंगे आज, ठीक है, आज फास्ट नहीं करा पाऊंगा आपको। चलिए x माइनस बी हो गया, ठीक है, यहां से आपको पता लग गया कितना आएगा, सभी लोग देख ले जरूर। ऑल राइट, इस तरीके से क्लियर है, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें, ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर। ऑल राइट, चलिए अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, एक काम करते हैं छोटा सा, इसको और जल्दी कर लेते हैं, 2 है इसको वहां ले जाते हैं पूरा, ठीक है, ये आ गया x माइनस बी और x माइनस ए। ऑलराइट, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी करेंगे, ठीक है, यहां तो अभी कुछ नहीं हो सकता इसका, एक काम करके पहले मैं इस वाले को सॉल्व कर लेता हूँ। ये 2 हो गया, अब देखिए मुझे ये सॉल्व करना है तो मुझे इसके लिए अलग से ब्रैकेट लगाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये दोनों सॉल्व करने हैं। सो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आ गया माइनस का ए एक्स माइनस का बी एक्स और प्लस का ए बी। ऑर्डर डियर स्टूडेंट, चलिए अब देखिए आप लोग एक काम कर सकते हैं एक बार और, हम इसको सब अंदर ले जाइए, 2x स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस का 2ab। ऑलराइट, देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सीधे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाएंगे। चलिए सो ये आ गया ए एक्स माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का बी स्क्वायर, सभी लोग चेक कर लें जरूर। अब देखिए इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एक काम करते हैं, इनको यहाँ लाइए क्योंकि मुझे इसको मैं पॉजिटिव में लेना चाहूंगा, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, सब वहां ले जाते हैं, आप देखिए सो 2x स्क्वायर माइनस का 2ax। अच्छा मैं पहले से साथ ले लेता हूँ, देखिए यहाँ माइनस 2x है, ये प्लस वाला भी वहां जाएगा तो माइनस ax आ जाएगा, क्लियर है। सो माइनस का ax, उसके पास क्या है माइनस का 2bx। स्टूडेंट ज़्यादा तेज बोलने में ना सर में दर्द हो रहा है, सो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। आवाज़ तो आप सभी लोगों को आ रही होगी बट और दिन के कंपैरिजन इतनी तेज नहीं आ रही होगी, ठीक है। चलिए सो अब देखते हैं यहाँ पर माइनस 2bx और ये वहाँ चलेगा, सो माइनस का bx।
ऑलराइट, अब क्या लिखा गया है, ये बचा है 2AB, सो आप लिख लीजिए। अच्छा एक काम करते हैं, हाँ वेरी गुड। अब जो हमारे पास जो जो बचा है वो क्या है, 2AB, और ये दोनों भी बचे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान सुनना, ये आ गया आपका 2x² माइनस का 3ax और माइनस का 3bx, ऑलराइट। यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्यों ना मैं इसको सीधा a प्लस बी का होल स्क्वायर ही लिख दूँ, क्लियर है। चलिए अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक काम कर सकते हैं हम, 2x² क्या कॉमन ले, माइनस का 3, माइनस 3x कॉमन ले लें, बताइए बताइए क्या कॉमन ले, माइनस 3x अगर कॉमन लेते हैं, माइनस का 3x और यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी, ऑल राइट। सो प्लस का एक काम करते हैं, माइनस का 3x ले ही लिया तो इस तरह से लिखते हैं, माइनस 3 और यहाँ x ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लो a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, ये बन गए हमारी इक्वेशन, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है। सो इसको आप सभी लोग आप सॉल्व करें ना, जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ 2 है, सो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए आपको पता है ना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, सो देखिए इस तरीके से ब्रेक करना है, अभी करते हैं। देखिए एक आएगा कितना आएगा, देखिए यहाँ पर हाँ प्लस करने में हमें मिलना चाहिए a प्लस 3a प्लस बी मिलना चाहिए, ये ध्यान देना, ठीक है। हमें क्या मिलना चाहिए, 3a प्लस बी मिलना चाहिए प्लस करने में, इसके से दो फैक्टर। सो हाँ मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, ये देखिए कैसे मिलेगा, एक हाँ एक हम लेंगे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी और एक लेंगे a प्लस बी। अब देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके तो यही मिलेगा, और इन दोनों को प्लस करने के बाद क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ a प्लस बी ही मिलने वाला है। सो आपको क्या करना है, इन प्लेस ऑफ 3 ऑफ a प्लस बी, इसकी जगह पे आपको ये दो वैल्यूज को प्लस करके लिखनी होती है, आपको पता है। चलिए सो हमें मिल गया देखिए 2a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो अभी और अच्छे क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, 2x² माइनस का, देखिए माइनस और ब्रैकेट लगाते हैं अब, ठीक है। इस 3a प्लस बी की जगह पर क्या क्या लिखना था मेरे को, 2a प्लस बी और प्लस का a प्लस बी, देखिए ये वही तो हुआ, 3a प्लस बी बन गया ना, और बाहर से क्या आपके पास x भी है, और प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तबीयत खराब हो गई स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x² माइनस का 2a प्लस बी और ये यहाँ गया, क्लियर है। तो माइनस प्लस माइनस ये भी बाहर आया, और a प्लस बी और ये x हो गया, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। प्लीज सभी लोग ध्यान दें इन क्वेश्चंस पर, आपको पता चल रहा होगा ये CBSE 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको पता है कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और हर बोर्ड में आ सकता है, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर जल्दी से करेंगे, आप कॉमन लेने वाला चीज तो है, बस हो गया 2x कॉमन ले लीजिए, और अंदर बच गया x माइनस ऑफ a प्लस बी, क्लियर है। चलिए यहाँ से माइनस का a प्लस बी कॉमन ले लीजिए इस तरीके से, और अंदर बच गया क्या, अंदर बच गया आपका क्या, वही x, देखिए माइनस कॉमन ले तो अंदर माइनस हो जाएगा ना, माइनस ऑफ a प्लस बी, ऑलराइट इज इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट देखिए आपके पास दो वैल्यूज आ चुकी है यहाँ पर, सो आप लोग कर लेना। एक आ गया देखिए ये x माइनस ए प्लस बी, और x माइनस ए प्लस बी तो बाहर आ गए, x माइनस ए प्लस बी, ऑल राइट। एक तो ये आ गया, उसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, और दूसरा आ गया आपका 2x माइनस का a प्लस बी, और ये आ गया बराबर 0। सो एक आ गया आपका x इज इक्वल टू ए प्लस बी, और एक आ गया x इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। सो उसमें देखिए ये है हमारा इसका सॉल्यूशन, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, वो क्या है हमारा। देखिए अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल स्टक्स टू ईच ऑफ इट्स एंड, द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 मीटर एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, फाइंड इट्स सरफेस एरिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी में आपकी, क्लियर है। चलिए सो एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं अभी लास्ट टाइम में, अभी हमने एक बार लास्ट क्लास में हमने कुछ एक दो क्लास पहले हमने यहाँ पर एक आपको
गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन कराया था, तो उसको भी देख कर जाना आप सब लोग, ठीक हो गया। चलिए देखिए, इस तरह की एक कैप्सूल बोला गया है यहाँ पर। इस कैप्सूल का जो भी है टोटल कितने एमएम की है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया कितने एमएम है, ध्यान से देखना आप लोग, 14 mm, एंटायर लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। अच्छा, यहाँ पर डायमीटर कितना है कैप्सूल का, कितना है, 5 mm है, क्लियर है। चलिए फाइंड सरफेस एरिया। अब तो बहुत इजी है, सरफेस एरिया निकालना तो आएगी आपको। अब आप खुद देख लीजिए आपके पास किस टाइप के फिगर्स हैं। आपके पास यहाँ पर आपको दिख रहा है दो हेमिस्फेयर है और एक सिलेंडर है, तो आप सबसे पहले हेमिस्फेयर का निकाल लीजिए, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, लोग कैसे निकलेगा, मतलब लेंथ निकाल लीजिए। सिलेंडर की लेंथ कैसे पता लगेगी, कुछ नहीं है, जस्ट देखिए ये 5 है, यहाँ से यहाँ तक 2.5, तो यहाँ से यहाँ तक भी 2.5, इसको आप बड़ा करके समझ सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेना। चलिए, सो आई होप कि आपको क्लियर होगा, क्लियर स्टूडेंट। चलिए, सो जितना यहाँ से आता उतना यहाँ से आता, तो टू ये कितना हो गया, 2.5 हो गया यहाँ पर, और यहाँ भी कितना हो गया, 2.5 हो गया। सो 14 में से जब आप माइनस करेंगे दो 2.5 को, मतलब 14 में से आपको 5 माइनस करना है, तब जाके आपको कितना मिलेगा, 40 माइनस 2.5 प्लस 2.5 ना, सो सीधे 5 मिल जाते हैं, लो कितना आ गया, 9 mm का आ गया, क्लियर है, कितना आ गया सीधे देख लीजिए, 9 mm आ गया। स्टूडेंट देख लेना मैंने किस तरह करा है, ठीक है, लेंथ हाइट कैसे आई, अब फटाफट बताऊंगा ना आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्लियर है। चलिए, सो हमें पास सिलेंडर की लेंथ मिल गई है, सो हमें टोटल सरफेस एरिया निकाला, सरफेस एरिया इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। सो कैप्सूल को कौन कौन से हिस्से को आप देख सकते हैं, मतलब देखने छू सकते हैं, ठीक है, एक तो मैं ये वाला छू पाऊंगा वाला हिस्सा, एक ये वाला, और एक पूरा सिलेंडर का कर्व वाला। सो क्या होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, ये क्वेश्चन बेसिक वाले भी देख सकते हैं, सी एस ऑफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस इंटू सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, निकालना क्या है, पहले देखते हैं टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वेरी गुड, चलिए हाँ सरफेस एरिया निकालना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए स्टूडेंट देखिए, अब निकाल लेते हैं, तो क्या है यहाँ पर, सी एस ऑफ सिलेंडर का था 2πr, और एक का हाँ आर एच ले लीजिए, दोनों के लिए सेम ही तो है, और ये आएगा प्लस 2 × 2πr का स्क्वायर, देख लीजिए यहाँ पर से इतना आ गया 2πr, और ये एच प्लस ये आ गया 4πr स्क्वायर, क्लियर है। चलिए, सो कुछ नहीं कर रहे, यहाँ पर 2πr कॉमन ले लीजिए, और अंदर आपका आ जाएगा एच प्लस आर, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब सबसे पहली बात यह है यहाँ पर निकालना क्या है, डायमीटर, चलो डायमीटर तो आ गया, ठीक है, लेंथ भी आ गई, हाइट भी आ गया, ठीक है, डायमीटर सर रेडियस कितनी हो गई, 2.5 हो गया, और आपकी जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, 9 mm का हो गया, ठीक है, जो कैपिटल एच से मैंने डिनोट कर रखा है यहाँ पर, ठीक है। सो 2πr और एच प्लस आर हो गया, यहाँ देख लीजिए, अच्छा यहाँ पर भी ये 2π, सो 2r कॉमन आएगा, ठीक है, यहाँ से, अच्छा आप कर लीजिए इसको सॉल्व, ज़्यादा कठिन तो नहीं लगता है। सो 2 × अच्छा लिखा है कुछ, पाई की वैल्यू कुछ लेनी है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, आप लोग लिखना चाह रहे लिख लीजिए, लेकिन इस तरह लिखना है 3.14 या फिर 22/7, रेडियस कितनी है आपकी, आपस में देखिए 2.5, और अंदर क्या हो रहा है एच 9 प्लस 2 × r, सो कितना हो गया 2 × r, ठीक है, 2.5 × 2 मतलब 5, समझ में आया सबके। चलिए, सो यहाँ से क्या होगा, 9 + 5 = 14, 7 + 14, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं बहुत आसानी से करा रहा हूँ आपको, तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए 9 + 4 = 9, 10 + 11 = 12, 13 = 14, सो 2 × 22/7 × कितना 2.5 × 14, ये देखिए 7 × 2 = 14, ठीक है, 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, देन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, देन 10 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 आएगा। अब देख लीजिए कितना आसान होता है क्वेश्चन, इतना खाली होता है, बस हो गया ये क्वेश्चन, आप लोग बेसिक प्लस स्टैंडर्ड दोनों ही देखना, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो दोनों ही इन लेक्चर्स को जरूर देखना, क्लियर है, ये वाले क्वेश्चंस को। सो सी एस एफ सिलेंडर प्लस ट्वाइस ऑफ सी एस एफ हेमिस्फीयर, ऑलराइट, चलिए वो पहले क्वेश्चन के लिए था। अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप सभी लोग इसको मिलीमीटर लग देना, ठीक है, भूल गया था मैं, सो उसको आप सभी लोग सही करेक्ट कर लेना, ठीक है, छोटी छोटी मिस्टेक्स है आप इनको करेक्ट कर सकते हैं, अगर मुझसे गलती से भी हो गया है सो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो 220 mm², तो सब कुछ मिलीमीटर में था, सो वहाँ पर गलती से सेंटीमीटर लिख दिया, आप लोग उसको करेक्ट कर लेना, क्लियर है। चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए
चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थर्ड है वो क्या है। देखिए, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर जिसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, बेस डाय है 24 सेंटीमीटर। आइए सो देखिए, इसको बड़े आराम से करना आप लोग, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, एक इस तरह से सिलेंडर बना लीजिए, बड़ा सा बना लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी दो सिलेंडर वाला क्वेश्चन है आपको, चलो आपको पता चल जाएगा अभी। इसके ऊपर लिखा गया है सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन देखिए, सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अच्छा, पहले इस वाले की जो डायमेंशन दे रखी है वो लिख लीजिए 220 सेंटीमीटर, और इसकी डाया दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और इसमें इसका हाइट दे रखा है आपको 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस दे रखा है, ध्यान से सुनना, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस है आपकी 8 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। अब देखिए, जब भी मास निकालना होता है ना किसी चीज़ का, तो उसमें वॉल्यूम ही यूज होता है उसका। ठीक है, अब वैसे भी पता चल जाएगा, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का जो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, मतलब आयरन का 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम होगा उसका कितना मास होगा, 8 ग्राम मास है। सो आपको पहले निकालना है कि इस पूरे सॉलिड आयरन पोल का कितना मास होगा। ठीक है, सो आपको क्या निकालना है, ऑब्वियसली यहाँ पर क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, तभी तो आपको सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा ना। क्लियर है। अब देखिए, एक काम करते हैं, तो यहाँ पर इसको मान लेते हैं स्मॉलर सिलेंडर, मान लीजिए छोटा सिलेंडर है स्मॉलर, इसको मान लीजिए स्मॉलर सिलेंडर है, मैं आपकी तरह से ले लेता हूँ। ठीक है, आपको जो लेना आप तरह से लीजिए, इसको मान लेता हूँ ये लार्जर है, ग्रेटर है, स्मॉलर और इसको लार्जर, आप जो मानते हो वो मानिए। ठीक है, चलिए सो यहाँ पर करना क्या है, तरीके से करेंगे इसको सॉल्व। देखिए, सो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर आयरन, स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्या, स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर, कैसे होगा ये देखिए, बताइए, इतना आपको दिख रहा है, क्लियर है, सब दिख रहा है। चलिए सो अब देखेंगे हम यहाँ पर कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखेंगे सभी को दिख रहा है ना, क्लियर, वो शेडो कैसे आ रही है, पर इसको हटाते हैं। ठीक है, चलिए सो अब दिख रहा होगा, क्लियर, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखेंगे अब हम क्या करेंगे, इसका सॉलिड आयरन निकालना है तो स्मॉलर सिलेंडर है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक यहाँ पर आप लिख लीजिए कि ये देखिए स्मॉलर सिलेंडर का रेडियस कितना है, इसको स्मॉल आर से ले लीजिए, इसको स्मॉल एच से ले लीजिए, और कैपिटल आर ले लीजिए कितना है, देखिए ये 24 है टोटल डायमीटर, और रेडियस कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर, और कैपिटल एच कितना जाएगा यहाँ से 220 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, आप लोग खुद करना इसको। ठीक है, देखिए क्या होगा यहाँ पर, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लियर, मैं यहाँ लेता हूँ, एक स्टेप और आ सकता है यहाँ पर भी, स्मॉलर सिलेंडर पाई स्मॉल आर स्मॉल एच पाई स्क्वायर एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर से पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई कॉमन आएगा, सिर्फ कितना आएगा, पाई कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, इस तरीके से, चलिए सो इस पे लिखा गया है कि आपसे क्वेश्चन में बोला है कि पाई की लेना 3.14। अब देखिए आर का स्क्वायर ये है 8 × 64 × 60, और ये आर का स्क्वायर देखिए 12 का स्क्वायर कितना 144 इंटू एच कितना है 220। इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 64 × 6 3840, क्लियर है, और यहाँ से ये कितना आएगा 144 को 22 से कर लीजिए 8 × 2 × 2, ठीक है 882 कितना आ गया है 6 × 8 = 11 3168 0 कितना 31680, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलिए काफ़ी आराम से हो जाएगा, कैलकुलेशन लंबी तो है बट ईजी है, ठीक है, ईजी होती है खाली लंबी तो है, क्लियर है। चलिए सो यहाँ पर आपके पास क्या 3.14 भी है, अभी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। चलिए सो 316 यहाँ कर लेते हैं 31680 को इससे मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा बताइए,
ये आएगा 2 1, ये 5 1, ये 5 और ये 3, सो 3 5 5 2 0 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए सो ये तो आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम। अच्छा एक काम करो, इसको पूरा ही निकाल लीजिए, ठीक है, तभी आपका आंसर आएगा। सो 3 5 5 2 0 में से 3.14 को इंटू कर लीजिए, 4 0 0 4 2 8 4 5 20 0 2 4 4 20 22 4 12 13 14, क्लियर है। चलिए अच्छा अब क्या है, 0 2 5 5 3 0 2 5 5 3 अब यहाँ पर देखिए 3 0 जा अगेन 0, 3 0 जा 0 3 2 जा 6, ठीक है, 3 0 जा 0 3 2 जा 6, 3 5 15 का 5 1 3 5 51 16 का 6 1 3 9 1 10, ठीक है, 0 8 2 3 1, यहाँ इसका 1 है, ठीक है, 4 5 10 15 5 1 3 4 5 11 1 1 1, सो ये आ गया 111 5 3, कितना आ गया 111 5 3 2.80 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। चलिए सो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका इसका आंसर। अब देखिए आंसर अभी नहीं है, ये तो सिर्फ वॉल्यूम निकला है हमारा, ठीक है। अब हमें पता है गिवन दैट कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो भी वॉल्यूम है, जो भी मास है, वो 8 ग्राम है, ठीक है। तो आप लोग क्या करीजिए, करिए 111 5 3 2.8 का 8 लिख दीजिए, चलो इसको कोई बात नहीं, 0 4 0 लिख लीजिए, लो 0 लिख दीजिए, ठीक है। सो आ गया 111 5 3 2.80 × 8। अब देखिए ये है ग्राम में, क्यों ना मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लूँ, अपॉन 1000 कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक नई चीज़ सिखाने वाला हूँ यहाँ से, वो क्या है जरा देखते हैं, ठीक है। आपको बताऊँगा देखिए कि इसको अगर ये 100 से डिवाइड होगा तो पॉइंट कहाँ जाएगा, ये पॉइंट कहाँ पर प्लेस होगा, ठीक है। अभी सीखते हैं, तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 111 5 3 2 8, ठीक है। स्वास्थ्य बहुत ढीला हो गया, इसमें बोला भी नहीं जा रहा, सर दर्द कर रहा है। सो कितना हो गया, 111 5 3 2.80 × 8 कर लीजिए, क्लियर है। 8 0 0 8 64 4 6 8 16 16 16 4 24 26 2 8 40 42 4 8 8 9 8 1 9 8 8, सो ये आ गया आपका कितना, देख लीजिए यहाँ पर 8 9 2 2 6 2 4 0, और पॉइंट कहाँ लगेगा, 2 प्लेस पहले यहाँ लगा लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करना है किससे, 1000 से। अब एक चीज़ बताऊंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कोई नंबर 100 से या 1000 से या फिर 10 से या लाख से या 10 लाख से, करोड़ से, जितने से भी आपसे डिवाइड हो रहा हो, तो आपको करना क्या है, देखिए नीचे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, देखिए 1 2 3, ठीक है। मतलब अभी आप ये समझना नीचे सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, इसी यही फॉर्म होनी चाहिए कुछ इस तरीके की। अगर यहाँ 2 में मल्टीप्लाई है तो ये 2 अलग हो जाएगा, ठीक है, अभी इसके बारे में मत सोचिए। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कब पॉसिबल होगा, देखिए यहाँ पर किसी भी नंबर के नीचे या तो 10 हो या 100 हो या 1000 हो, कुछ भी हो, नंबर ऑफ जीरोस आपको काउंट करने हैं, बस हो गया, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस काउंट करने, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से लो, नंबर ऑफ जीरोस भी किस में होनी चाहिए, इस तरीके होनी चाहिए, 1 में, जैसे 1 0 0 0। अब ऐसा नहीं कि 2 0 0 0 के लिए भी आप यही कर दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 को अलग लिखना पड़ेगा, फिर 1 0 0 0, तब वो ऐसे बनेगा, तब जाके सॉल्व होगा फिर, ठीक है। अभी बताता हूँ आपको कैसे, देखिए सो आपको क्या करना है, पहले देखिए कितने नंबर है, नंबर ऑफ जीरो से 1 2 3, सो आपको इस पॉइंट को 3 प्लेस पीछे ले जाना है, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरो 3 है तो 3 प्लेस पीछे ले जाइए, 1 2 3, तो यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, इस वाले पर, क्लियर है। या तो आप ये एक अलग तरीके से सोच सकते हैं कि 3 जीरोस है, सो पॉइंट से पहले 3 नंबर देखिए, पॉइंट से पहले 3 नंबर देख लीजिए, नीचे 3 जीरो है ना, 1 2 3, सो पॉइंट से पहले 3 नंबर, 1 2 3, और इससे पहले आप क्या लगा दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, सो आपका कहीं यहाँ आएगा, देखिए इस तरीके से 1 प्लेस पीछे, 2 प्लेस पीछे, 3 प्लेस पीछे, तो आ गया। सो कितना आ गया, 8 9 2.2624 kg, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था आपका आंसर। अच्छा अब देखिए मैं क्या कह रहा था, अगर यहाँ पर 2 होता फिर ये 2 अलग से होता ना इसके लिए, वो तो सॉल्व हो जाता, लेकिन 2 अलग से होता, फिर 2 से डिवाइड करना पड़ता, इस तरीके से कोई भी नंबर हो सकता है, बाकी आपकी इच्छा, आपको जैसे करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आप 4th नंबर का क्वेश्चन करते हैं, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए
ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो मैं आपको करा रहा हूँ उसको ध्यान से करना, वो क्या है क्वेश्चन, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या है, देखिए आपने हाइट एंड डिस्टेंस आप लोग कहते हैं कि आपको अच्छे से आ गई है, तो थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ट्राई कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट। देखिए पेपर है, कैसा भी आ सकता है, लेवल कैसा भी हो सकता है, ठीक है, तो आप तैयार रहिए उसके लिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन द लाइन विद द फुट ऑफ द टावर आर अल्फा एंड बीटा। एक कंडीशन है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। थोड़ा अटपटा सा क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा, देखिए कैसे, एक टावर है, ठीक है, यहाँ पर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एच मीटर हाई डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट, हाँ दो ऑब्जेक्ट है, एच मीटर हाई है, ठीक है, टावर की हाइट कितनी है, एच मीटर की हाइट है, ठीक है, एच मीटर की हाइट है, टॉप से क्या बन रहा है इस लाइन पर, ये फुट से एक लाइन है, ठीक है, फुट से एक लाइन जा रही है इस तरीके से, और इस लाइन पर दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक यहाँ रख दीजिए एक यहाँ रख दीजिए, और यहाँ से एंगुलर डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में जो पहले वाले उसका ये बना, दूसरे वाले का ये बना, तो पहले वाले का तो ये बना। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या है ना, कंडीशन ये है कि दो डिप्रेशन बन रहे हैं, किस एंगल से बन रहे हैं, अल्फा एंड बीटा से, लेकिन कंडीशन है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। अब देखिए क्वेश्चन वही आ गया, कौन सा, कि बीटा और अल्फा कहाँ रखे, 90 के जो सबसे क्लोज है वो इस पहले से देखा ना कि बीटा ग्रेटर देन अल्फा है, तो बीटा जो भी एंगल होगा बड़ा होगा अल्फा से, सो बड़ा वाला आप कहाँ रखेंगे, 90 के क्लोज, सो बीटा यहाँ आएगा और अल्फा एंगल आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को थोड़ा सा करते हैं सॉल्व, किस तरीके से होने वाला है क्वेश्चन। आइए देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर, हाँ तो यहाँ से पता लग जाता है वो बीटा तो ये हो गया आपका, और अल्फा यहाँ से यहाँ तक हो गया अल्फा, ये बना उससे हो गया। आपको निकालना है क्या, मान लीजिए ए ये बी है, ये सी है और ये डी है, सो हमें दो ये इस दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये तो हमारा क्या है पोल के, ये है पोल सी और डी, हमें ये निकालना है, ठीक है, तो इसको आप वाई ले लीजिए, इसको आप एक्स मान के चल सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है किसी को भी वाई और एक्स लेना, क्लियर है। चलिए सो उसमें देखिए यहाँ पर आपको निकालना है सीधी टू फाइंड, अगर आपको सीढ़ी निकालना है सो आप देखिए कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर एक एक ही तरीका है निकालने का। देखिए यहाँ पर आपको पता है नंबर्स में तो वैल्यू आने वाले नहीं है, कुछ कुछ ना कुछ आपके एक फॉर्म आएगी, किसी भी तरह की फॉर्म आ सकती है, उसको लिख लेना बस, जहाँ तक वो सॉल्व हो सकता है उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तक उसको सॉल्व कर लेना, वो आंसर आपका हो जाएगा। अच्छा एक काम करते हैं, जो जो हमें पता है वो करते हैं, सो इन ट्राइंगल ये क्वेश्चन आ सकता है ए बी सी में, आप देखिए टेन बीटा जब लगाएंगे तो आप खुद कहेंगे सर टेन बीटा इज इक्वल टू आएगा एच अपॉन एक्स, क्लियर है। उसके बाद आप कहेंगे सर इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, सो ए बी सी के अंदर आप जब टेन अल्फा लगाएंगे सो आप कहेंगे सर एच अपॉन एक्स प्लस वाई, क्लियर है, ये हो गया यहां तक। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान सुनना, एक काम करता इसको यहां ले आता हूं टेन अल्फा के साथ, टेन अल्फा और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच, इसको यहां ले गया, क्लियर है। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, एच से तो कोई मतलब है नहीं, तो एक काम करिए एच इज इक्वल टू कितना है एक्स टेन बीटा है, कितना है एक्स टेन बीटा है, एक्स एच इज इक्वल टू कितना है, देखिए एच एच इज इक्वल टू कितना है एक्स टेन बीटा है, सो एच की जगह पे यहां देख लेना, ये देख लीजिए, सो एच इज इक्वल टू यहां जाएगा तो एक्स टेन बीटा कहलाया जाएगा, क्लियर है, तो यहां रख लीजिए उसकी वैल्यू, सो टेन अल्फा, मेन बात है कि हमें निकालना है ये वाई, क्लियर है, हमें क्या निकालना है इस वाई को निकालना है, तो वाई कैसे निकलेगा देखना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए सो हाँ ये भी नहीं करते हैं आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए हमें, एक कोशिश करेंगे हम y कैसे निकलेगा, देखिए h के टर्म्स में निकलना चाहिए ना, अगर y फाइंड होगा तो h के टर्म्स में, क्योंकि अगर h हमारे पास होगा और एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब डिप्रेशन होंगे, ये दोनों एंगल्स फाइंड होंगे, तो हमारा इजीली आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सो हमें कहीं ना कहीं y इक्वल टू निकालना है h के टर्म्स में, ये पता होना चाहिए, इसका मतलब x को रिप्लेस करना पड़ेगा, सो x भाई साहब को रिप्लेस कर दीजिए, ये थोड़ा अच्छा तरीका है सोचने का कि x इज इक्वल टू h अपॉन टेन बीटा आप लिख सकते हैं, ये देख लीजिए। सो मैं उसको वैसे रहने देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ टेन अल्फा, ये एक्स जगह पे क्या लिखते हैं एच अपॉन टेन बीटा, एच अपॉन टेन बीटा प्लस ये आ गया वाई इज इक्वल टू एच। अब क्या होगा बताइए, देखिए स्टूडेंट्स एक काम कर सकते हैं यहाँ से हम, वो क्या हो सकता है आप लोग सोचे जरा,
वाई को हटाना है तो वाई को तो हटाने पड़ेगा कि जैसे तैसे हटाने पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, हम इसको और इसको अंदर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये टेन अल्फा इसके साथ चले जाएगा, टेन अल्फा मतलब एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, और यहाँ से वाई टेन अल्फा इज इक्वल टू एच। अब हो सकता है, देखिए मैं इसको ही लेता हूँ, इसको वहाँ ले जाता हूँ, वाई टेन अल्फा इज इक्वल टू एच माइनस एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा, क्लियर है। चलिए अब कहीं ना कहीं हो जाएगा सॉल्व। सो वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से होगा। सो वाई इज इक्वल टू टेन अल्फा, इसके नीचे एच के नीचे जाएगा टेन अल्फा और वहां भी जाएगा, दोनों जगह जाएगा आपको पता है, और सॉरी यहां भी जाएगा, तो एच टेन अल्फा अपॉन टेन बीटा तो पहले से ही है। और ये देखिए, अगर ये नीचे जाएगा ना इस तरीके से, देखिए अगर ये यहाँ जाएगा टेन अल्फा इसके नीचे जाएगा, ऐसे वन अपॉन में आ जाएगा, तो टेन अल्फा यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा। सो इन टू ये टेन अल्फा यहाँ भी आ गया, तो उसको मैं वन अपॉन टेन अल्फा लिख देता हूँ इस तरीके से, क्लियर है। ये टेन इस सेम लेटर से है, इस तरीके से कट गया, क्लियर है। तो यहाँ से आ गया वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए एच अपॉन टेन अल्फा, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एच अपॉन टेन अल्फा, और ये आ गया एच अपॉन टेन बीटा। सो बस इसको आप सॉल्व कर लेना, यहां से y इज इक्वल टू आ गया h cot अल्फा माइनस एच cot बीटा। सो मजा आ रहा है ना स्टूडेंट्स, कुछ नया करने में मजा तो आ रहा है ना। सो y इज इक्वल टू h कॉमन लेना, आपका आ जाएगा cot अल्फा माइनस cot बीटा, क्लियर है। सो ये हो गया आपका राइट आंसर। और चलिए, सो y इज इक्वल टू मैंने निकाल दिया, मतलब हमें cd निकालना था, इट मीन cd इज इक्वल टू कितना, एच कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स निकाला था, तो सी डी था वो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकल टू फाइंड सी डी लिखा गया है। सो ये हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एपी से है, ठीक है। आइए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है आपका, और उसको अच्छे से करना है, उसको थोड़ा अब हटके क्वेश्चन है एक और, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, क्योंकि सी बी एस ई 2013 का क्वेश्चन है। द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स ऑफ एन ए पी इस 63q माइनस 3q स्क्वायर। देखिए सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म, यहाँ पर q लिखा है कुछ तरीके से, 63q माइनस क्यू स्क्वायर यही है, सॉरी 3q स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, ठीक है। इफ इट्स pth टर्म इज 60, इसी ap का अगर मैंने कह दिया pth टर्म, सो एक काम करते हैं इसको इस तरह से लिख लेते हैं लोग, pth टर्म, आप ap करके लेना जो भी लेते हो, लेकिन मैं pth टर्म लेता हूँ, 60 है बोला गया, माइनस 60 है या 60 है, माइनस 60 बोला गया। आपको फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, सो यू हैव टू फाइंड, यू हैव टू फाइंड इसी एपी का है, ठीक है। ये दोनों अलग अलग एपी नहीं है, जो पी एच टर्म भी है वो इसी एपी का है, ठीक है। चलिए ये इसका अलग टर्म होगा, क्यू से नाम दे दिया उसने, ठीक है, क्यू से नाम दे रखा उसने बस। इस मैंने कहते जैसे कि मान लो सेवंथ टर्म है, तो मैंने सेवंथ टर्म को सेवन नहीं बोल के क्यू बोल दिया, ऐसी मैंने कह दिया हमारे पास एट्थ टर्म है, तो मैंने एट्थ टर्म को एट नहीं, एट्थ टर्म नहीं बोल के पी बोल दिया, ये इस तरीके से लिखा गया है। आप इसमें कंफ्यूज मत करना, ये दोनों जो है ना, ये एस क्यू लिखा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं एस क्यू से क्या मतलब है कि या तो सम ऑफ फर्स्ट टू नंबर टू टर्म्स ऑफ एन ए पी या थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी, इस तरीके से। और ये भी उसी ए पी का टर्म है एक, ठीक है। पी एच टर्म मतलब मान लीजिए क्या पता कौन सा टर्म होगा, क्या पता इलेवंथ टर्म हो, क्या पता ट्वेल्थ टर्म हो, इस तरीके से। यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड कह रहा है पी, अच्छा वेरी गुड स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा सरदर्द हो रहा है। सो ऑल्सो फाइंड द इलेवंथ टर्म ऑफ दिस ए पी, ठीक है। एक तो इलेवंथ टर्म भी निकालना है और पी एच भी निकालना है। सो देखिए आपको पता है ना ये कैसे निकलता है, अगर मैं यहाँ से इफ क्यू इज इक्वल टू वन करूँ, आपको पता है क्यू वन, क्यू अगर वन हो जाएगा तो एस वन, एस वन और ए वन एक ही बात है। सो अगर मैं एस वन निकालूँ यहाँ से, तो आपको दिख रहा है 63 माइनस, ये तो 3 हो जाएगा और 60 हो जाएगा। अगर q इज इक्वल टू 2 होगा, इससे मतलब ये है कि s2, और s2 इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस a2 होता है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, ठीक है। सो s2 आप लोग निकाल लीजिए यहाँ पर, a1 प्लस a2 इज इक्वल टू s2, देखिए s2 s की 2 a3 की 63 इंटू 2 माइनस 2 टू 4 3 जा 12, सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर। चलिए अभी करते हैं आराम से, अच्छा a1 ये s1 60 आ गया, इसका मतलब a1 भी कितना है आपका 60 है, तो इसको आप 60 प्लस a2 इज इक्वल टू ये आ गया 126 माइनस 2 4 12, अच्छा यहाँ से कितना आया है 114, क्लियर है। सो
ए टू इज इक्वल टू 114 और ये वहाँ गया माइनस का 60, ये आ गया 4 और 1154। बताइए ए टू कितना है आपका 54 आ गया ना, देखिए 4 माइनस 0 4, 11 माइनस 6 ये, ठीक है। सो ए टू कितना आ गया यहाँ से हमारा 54, यहाँ तक दिख रहा है सबको। चलिए सो आप निकाल लीजिए, आपको पी एच टर्म भी फाइंड करना, तो पी एच टर्म तो बहुत आसान है निकालना, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा देखिए, अच्छा अच्छा आपको दे रखा पी निकालना, तो पी निकालने के लिए मान लीजिए टी एफ टी पी दे रखा। अब देखिए ए वन ए टू ले लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वही है, मान लीजिए टी वन टी टू करके मान लीजिए इसको, ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। चलिए अब आप देखते हैं यहाँ पर क्या, मैं एक काम करता हूँ, टी पी, सो टी पी इज इक्वल टू ए प्लस पी माइनस वन टू डी, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो होगा ही ना, फर्स्ट टर्म होगा आपके पास, क्लियर है। चलिए सो टी पी आपको दे रखा माइनस का 60, फर्स्ट टर्म ए कितना आया देखिए यहाँ पर से 60 आया, सॉरी माइनस 60 और फर्स्ट टर्म कितना आया आपका, चाहे तो 60 ठीक हो गया, प्लस और p माइनस वन इंटू डी कितना है देखिए 60 और 54, तो ए पी को जिस तरह से बन रही 60 कॉमा 54 ऐसे करके चलते रहेगा, ठीक है, माइनस 6 हो रहा है, तो यहाँ से देखिए, हाँ अगर डिफरेंस निकालेंगे तो 54 माइनस 60 कितना, माइनस का 6, डिफरेंस आ रहा माइनस का 6, सो ये आ गया, इसको यहाँ भी दीजिए माइनस का 120 जाएगा और माइनस 6 पी और ये आएगा प्लस का 6, क्लियर है इस तरीके से, ठीक है, मैंने इसको यहाँ भेज दिया। अब देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इसको भी यहाँ भेज दीजिए माइनस का 126 हो जाएगा और ये 6 पी माइनस का, माइनस तो माइनस कैंसिल तो 21, सो पी बराबर 126 बाय 6, तो ये आ गया आपका 21, 6 में 6। अब पी 21 आ गया आपको 10th टर्म में, 11th टर्म में निकालना है, सो ए 11th कर लीजिए या टी 11 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सो ए प्लस 10d, ए कितना है आपका 60 प्लस 10 इंटू डी कितना माइनस 6, 60 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ये थे हमारे स्टूडेंट्स आज की क्लास। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4m माइनस m स्क्वायर फुल स्टॉप, इफ इट्स nth टर्म इज 107 फाइंड द वैल्यू ऑफ n, ऑल्सो फाइंड इट्स 21st टर्म ऑफ दिस ए पी, क्लियर है स्टूडेंट। तो ये है हमारे क्वेश्चंस, इनको आप प्लीज सॉल्व कर लेना, ठीक है। सो हम क्लास को एंड करते हैं सभी लोग, अगर आपको समझ में आया है इस क्लास से, कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को और शेयर जरूर करना, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, हर बच्चे तक पहुँचनी चाहिए, हर एक स्टूडेंट तक पहुँचनी चाहिए। सो मिलते हैं आप सभी लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।